22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बेगूसराय की लड़ाई सिर्फ इसलिए दिलचस्प नहीं है, या फिर यूं कहे कि बेगूसराय सिर्फ इस वजह से सुर्खियों में नहीं है कि वहां मुकाबला त्रिकोणीय है और वहां की चुनावी लड़ाई में तीन अहम किरदार हैं। लेफ्ट पार्टी के टिकट पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, तनवीर हसन को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और सबसे महत्वपूर्ण गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन तीनों नेताओं के बीच से आने वाले बयानों की वजह से बिहार की राजनीति गरमाती रही है, बेगूसराय सुर्खियों में रहा है, बल्कि बेगूसराय की जो लड़ाई है वो इस वजह से दिलचस्प है, इस वजह से भीषण है, और बेगूसराय इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि कन्हैया के लिए जो लोग प्रचार करने आ रहे हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि बेगूसराय को चर्चा में ला रहे हैं, और बेगूसराय की खूब चर्चा हो रही है उनकी वजह से। आप जानते हैं कांग्रेसी विधायक हैं गुजरात से जिग्नेश मेवानी, युवा कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने लगातार कई दिनों तक प्रचार किया कन्हैया के लिए, बल्कि बेगूसराय में कैंप किया और कन्हैया के साथ घूमते रहे, उनके लिए प्रचार करते रहे, उनके लिए वोट मांगते रहे। और अब खबर यह है कि दक्षिण फिल्मों के और बॉलीवुड फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता प्रकाश राज भी बेगूसराय पहुंचे हैं और कन्हैया के लिए वोट मांग रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, कन्हैया के लिए रोड शो भी किया है। और क्या कहा है प्रकाश राज ने, आप सुन लीजिए। इसी देश के वासी मुझे उम्मीद है और हमको कन्हैया जैसा आवाज संसद में चाहिए, ये इस देश का सुपुत्र है, किसी का जरूरत बहुत है, इस देश का बुलंद आवाज है कन्हैया, इसीलिए आया हूँ। अरे इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। ये देखिए विरोधी का नहीं है, लोगों के लिए, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है इस देश में। लोगों को ये समझना है कि कौन उनकी दर्द सोच रहा है, कौन उनकी भाषा, उनकी समस्याओं को संसद में ले जाएंगे। ये हम जो भारतवासी हैं, टू रिक्लेम डेमोक्रेसी, टू रिक्लेम द रिपब्लिक, और आम आदमी का आवाज संसद तक पहुंचाने की प्रयत्न है। एक बात हमें समझ लेना चाहिए, चुनाव में कोई नेता या कोई पक्ष जीतता हारता नहीं है, अगर सही अभ्यर्थी को हम चुनाव करते हैं तो लोग जीतते हैं, और अगर गलत करते हैं तो लोग हारते हैं, तो ये लोगों का हार और जीत का प्रश्न है, इसीलिए कन्हैया जैसे आवाज चाहिए इस देश में। तो आपने सुना प्रकाश राज क्या कह रहे थे, जो कन्हैया के लिए बेगूसराय में वोट मांगने पहुंचे हैं, उनके लिए प्रचार करने पहुंचे हैं, और साफ तौर पर यह कहते हुए कि लड़ाई हार जीत की नहीं है, बल्कि चुनाव हार जीत की लड़ाई नहीं होती, जनता जीतती है चुनाव में, कोई प्रत्याशी हारता जीतता नहीं है, और तमाम बातें कही हैं प्रकाश राज ने। तो बेगूसराय एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि प्रख्यात अभिनेता, जो बॉलीवुड फिल्मों के भी प्रख्यात अभिनेता हैं, दक्षिण फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता हैं, बड़ा नाम है, वो कन्हैया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे हैं और उनके लिए रोड शो कर रहे हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बेगूसराय की लड़ाई कितनी भीषण है, कितनी आक्रामक है और कितनी दिलचस्प है। जिस तरीके से कन्हैया को प्रकाश राज जैसे बड़े लोगों का साथ मिल रहा है, बड़े अभिनेताओं का साथ मिल रहा है, और वे प्रचार करने कन्हैया के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।